दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को चंडीगढ़ में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में ऐसी संभावनाओं को तलाशें जिनसे मजदूरों के साथ साथ किसानों को भी लाभ मिल सके। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में पारंपरिक फसलों के बजाय अन्य नगदी फसलें उगाने के लिए किसानों को प्रेरित करें। उन्होंने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में दूसरे राज्यों के सफल किसानों की तकनीक का अध्ययन करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि उनका प्रयोग करके प्रदेश का किसान और अधिक समृद्ध व खुशहाल हो सके। बता दें कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग का प्रभार भी है, और इसी के तहत विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के महानिदेशक विकास यादव, विकास एवं पंचायत विभाग के महानिदेशक RC भिडान समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मनरेगा के तहत अधिक से अधिक काम करवा रही है। प्रदेश में वर्ष 2019-20 के दौरान जहां मनरेगा योजना में 370 करोड़ रुपए के कार्य करवाए गए हैं, वहीं 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष से दो गुणा से भी अधिक 802 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने बताया कि इस बार ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत और अधिक कार्य करवाने के लिए अधिकारियों को कृषि, बागवानी, वन, सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, युवा एवं खेल मामले विभाग समेत अन्य विभागों में योजनाबद्ध ढंग से काम करने के निर्देश देते हुए 1200 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में किसानों के पास कृषि जोत कम होती जा रही है। राज्य में करीब 80% ऐसे किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से भी कम कृषि भूमि है। अधिकतर किसान पारंपरिक फसलों की बिजाई करते आ रहे हैं, जबकि नगदी फसलों से किसान अधिक आय प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य इन छोटे किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित करते हुए उनका रुझान फल व सब्जियों के अलावा अन्य नगदी फसलों की तरफ करना है, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से बलवंत दक्षक की रिपोर्ट।